अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे जी, अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत हूँ। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम के बज रहे हैं जनाब 7, बिग बॉस में बिग बॉस स्टार्ट किया है मैंने ये आज मैंने कहा चलें जी बिग बॉस नाम दे देती हूँ अपने ना चैनल का ठीक है। बिग बॉस में जनाब बज रहे हैं जी शाम के 7, और मेरे आगे रखा हुआ है ये पंखा। और ये क्यों रखा हुआ है पंखा जनाब? ये पंखा रखा हुआ है इस वजह से कि जब हम वहाँ से आए थे शिफ्टिंग करके, महाजर कैंप लगाया था हमने यहाँ आकर, तो ये पंखा ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है गंदा मंदा, और ये रखा हुआ था वहाँ ऊपर कमरे में स्टोर में, स्टोर की तरह समझो कि स्टोर में ही रखा हुआ था ये, तो ये साफ़ नहीं किया था, ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब मैंने उतरवा के वहाँ से निकलवा के मैंने कहा चलो हसीब इसको ज़रा सीधा पतरा करो ना, थोड़ा सा ये ज़रा अनबैलेंस हुआ, इसकी लक ज़रा टेढ़ा हुआ है थोड़ा सा, देखो ज़रा एक पर ऊपर हुआ है दो पर नीचे हुए हैं, इनके लक टेढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा इसको ज़रा वहाँ लगाओ ना चल के, फ़िलहाल बाद में इसकी सफाई भी रखेंगे करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग वहाँ ज़रा जा रहे हैं, ये पंखा वहाँ लगाते हैं, आरजी तौर पर लगाना है वहाँ पर टी वी लाउंज में लगाना है, तो क्योंकि वहाँ जाके अब लाइट शर्ट भी लगाते हैं, बल्ब शल्ब जो है वो लगाने हैं, और इसलिए कि आज ज़रा जी मालिक मकान आया था तो तनाव हो गई थी उससे, आज हमारी लड़ाई हो गई जनाब, आज हमारी लड़ाई हो गई और बड़ी ठीक ठाक लड़ाई हो गई मालिक मकान से। कहता जी पहली को खाली करो, रूल है। हमने कहा कैसा रूल है ये, ऐसा तो कभी भी कहीं पे भी नहीं होता ये रूल ऐसा, क्योंकि 10 तारीख लास्ट होती है, और 10 तारीख लास्ट होती है और स्टाम्प पेपर भी लिखा हुआ होता है, सारा स्टाम्प करवाया हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हो ना कि ये जी पहली को ही खाली करो। डीलर भी बल्कि बोलने लग गया उसको, और डीलर कहने लगा कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है कहीं पर भी कि जी पहली के पहली होता है, हाँ किराया ज़रूर होता है जाहिरी बात है, लेकिन खाली नहीं हो सकता, 10 तारीख होती है और 10 तारीख लास्ट तारीख होती है कि जो किराया देने की तारीख होती है। बहरहाल लड़ाई हुई हमारी, मुँह मारी हो गई हसीब की भी और एहसान की भी। एहसान साहब कहने लगे करा ले अब खाली, जो करना है कर ले मैं किराया दे के रहता हूँ, अल्लाह वास्ते नहीं रहता। खैर वो अपनी ना मोटर भी लेकर आया था, वो सामने नज़र आ रही होगी वो मोटर ना वहाँ से, वो वाली मोटर वो लेकर आया अपनी, तो जो उनकी यहाँ पे लगी हुई थी पहले, तो वो अभी हमारा प्लम्बर नहीं आया, तो वरना ये मोटर ना हमने वहाँ लगवा देनी थी यहीं पर, और अपनी हमने उतार के ना उस घर में लेके जानी है। खैर हम जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना, साथ साथ रहिएगा। मैंने कहा आप लोगों को बता दूँगा आज हमारी लड़ाई होगी जनाब मालिक मकान से आज हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है साथ ही रहिएगा, चल चलते हैं फिर, ठीक है। और ये देखो जी माशाल्लाह से मेरे बेटे ने पंखा लगा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और हम इधर आ गए थे पंखा लग गया है, हसीब ने लगा लिया है और ये बैठ गया, और कपड़े इसने सारे गंदे मंदे कर लिए अपने, मिट्टी मिट्टी हो गया सारे कपड़े, मिट्टी मिट्टी करके बैठ गया। ये देखो अभी ये पंखा लगाने में अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो मेरे हसीब के बाल कैसे प्यारे प्यारे से गोल्डन गोल्डन से बाल है माशाल्लाह से, और हवा बाहर से बड़ी अच्छी आ रही है ना, इसकी भी आ रही है हवा इतनी नहीं लेकिन बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हसीब गंजा हो रहा है? नहीं गंजा नहीं हो रहा, मेरा हसीब नहीं गंजा हो सकता, नहीं मेरा हसीब गंजा नहीं हो सकता अभी मैंने इसकी शादी करनी है। और ये देखें जी हमारे पलम्बर ने ना मोटर खोली और उनकी वाली लगाई, हमारी अपनी खोल के रख दी, हमने अलहदा कर दी, उनकी फ़िटिंग करवाई है मोटर, और ये स्विच लगा रहे थे, ये हमने मंगवाया था फिर स्विच ना नया, उनकी मोटर में स्विच ही नहीं था तो ये नया स्विच ला के लगाया, वो ऐसे ही दे गए थे, तो ये प्लम्बर से हमने सारा ही काम करवाया मोटर शोटर का, तो मोटर लगा रहे थे वो, उसके बाद उन्होंने जब ये लगाया है वहाँ पर स्विच, तो अभी देखने के ज़रा ये देखें ये स्विच लगाने लगे थे ना, तो एकदम ही ना उन्होंने जब वहाँ पर हाथ लगाया तो एकदम ये देखो करंट पड़ा, उन्हें एकदम करंट पड़ा, यानी कि इनकी मोटर में ना अर्थ है, ऐसे बेवकूफ़ से हैं मोटर दे गए हमें लगाने के लिए कि ये लगा दो हमारी मोटर, लेकिन जब चेक किया तो उसमें अर्थ था, प्लम्बर कहने लगा कि ये नहीं लगाना ना।